वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ वो किड्स के ऊपर स्पेशल वीडियो है कि हम अपने किड्स की इम्यूनिटी का कैसे ध्यान रखें, कैसे हम स्ट्रॉन्ग बनाएं उनकी इम्यूनिटी, कैसे उनको क्या ऐसा सुपर फूड दे जो उनके अंदर के स्टेमिना को बनाए रखे और उनको अंदर ही अंदर स्ट्रेंथ देता रहे। देखिए आजकल क्या हो गया है कि आप जानते ही हैं कि जो हमारा पिछला साल गया है, लास्ट 2 ईयर जो हमारे गए हैं वो बहुत ही बुरे, वर्स्ट हमने 2 साल निकाले हैं। और उसमें क्या हुआ है कि 2 वेव तो आ चुके हैं, 3rd वेव बच्चों के लिए बहुत खतरनाक बता रहे हैं। माइट भी वो ना आए, प्रोबेबिलिटी कम है, पहले प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी अब कम है, लेकिन फिर भी हमें ऐसी चीज़ें तो अपने बच्चों के खाने में हमें ऐड करनी ही है जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनी रहे। 3rd वेव तो मैं नहीं जानती, लेकिन आप देख ही रहे होंगे क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ये बहुत ज़्यादा वायरल का या डेंगू का चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि हमें अपने बच्चों की इम्यूनिटी पर ध्यान देना है, हमें उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसके साथ ही साथ मैं एक ऐसा सुपर फूड भी आपके साथ शेयर करूँगी जो आपके बच्चे बहुत ही आसानी से खा लेंगे, बहुत इंजॉय करके खाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। लेकिन उसके अलावा आपको अगर मैं होम रेमेडी के बारे में बात करूँ तो आज कुछ होम रेमेडी भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गाइस आप क्या कीजिए, जो भुने हुए चने होते हैं उनको पीस लीजिए, भुने हुए चने का एक बहुत ही फाइन सा पेस्ट बना लीजिए। जितने आप भुने हुए चने लेंगे, यानी कि अगर आप 2 मुट्ठी भुने हुए चने लेते हैं तो उसमें 1 मुट्ठी आप लीजिए मखाना जो होता है वो लीजिए, और मखाने को क्या कर लीजिए, हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, उसमें ऑयल नहीं डालना है, हल्का सा रोस्ट कर लीजिए और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। ऐसे ही जो भुने हुए चने हैं उनको भी अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। आपको क्या करना है, 2 मुट्ठी भुने हुए चने लेनी है, 1 मुट्ठी आपको मखाना लेना है और हाफ मुट्ठी क्वांटिटी जो होती है उसको वो लेना है आपको, जो सौंफ होती है उस सौंफ को आपको इन तीनों चीज़ों को बहुत फाइन आपको पीस लेना है, एक पाउडर बना लेना है। फिर क्या करना है आपको, 1 गिलास पानी में आपको 2 या फिर अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड आपको क्या करना है। मेरा बच्चा अभी 4 ईयर का है तो मैं उसमें 2 टेबल स्पून इस पाउडर का घोल कर उसको दे देती हूँ। क्या होता है, इससे बच्चा जो होता है वो अंदर ही अंदर स्ट्रांग बनता है, उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है, साथ ही साथ ही इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं जो आपके बेबी को एनर्जी देते हैं और पूरे दिन एनर्जेटिक बनाए रखते हैं। ये तो हो गया वो जो आप होम रेमेडी कर सकते हैं, और बिलीव मी गाइस आप कुछ टाइम कीजिए ये होम रेमेडी और आप देखेंगे कि कितने अच्छे रिजल्ट आपको मिले हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसके रिजल्ट आपको कैसे मिले हैं। और मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, आद्विक बहुत, मेरा जो बेटा है आद्विक वो बहुत ही ज़्यादा मूडी है और उसको जल्दी से कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन जब मैं उसको ग्लास में ये ड्रिंक बना के देती हूँ तो उसको लगता है कि ऑरेंज जूस है। तो अगर आप ड्रिंक बना के बच्चों को बोलेंगे कि ऑरेंज जूस है तो माइट भी वो बहुत अच्छे से उसको एंजॉय करके पिए। आद्विक बहुत एंजॉय करता है तो वो भी बहुत एंजॉय करके पिएंगे। लेकिन इसके साथ मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आई हूँ गाइज जो बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और आप अगर उसे एक बार देना शुरू कर देंगे ना अपने बच्चे को तो आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में आपके बच्चों की जो इम्यूनिटी, अगर बच्चे आपके बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं बहुत जल्दी जल्दी, उनको कोल्ड कफ ये सब चीज़ें होती रहती हैं, तो ये सुपर फूड ऐसा है जो इम्यूनिटी पर डायरेक्ट काम करता है, स्ट्रेंथ बनाए रखता है और बच्चे बहुत ही आराम से और बहुत इंजॉय करके इस चीज़ को खाते भी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको अपना सुपर फूड दिखा देती हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओजीवा किड्स, लेट मी टेल यू अबाउट सुपर फूड ब्रेन मल्टी गमीज। गाइस ये ना, इसके अंदर अश्वगंधा और ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट होते हैं जो सपोर्ट करता है फोकस को, मेमोरी को। अगर बच्चे का कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है तो उस पर भी ये ध्यान देता है। इसके अंदर अगर मैं बोलूँ तो 30 कैंडीज आती है, यानी गमीज आती हैं मिक्स फ्रूट फ्लेवर्स में। देखिए व्हाट मेक्स इट गुड, इसमें अश्वगंधा होता है जो सपोर्ट करता है ब्रेन फंक्शन को, हेल्प करता है स्ट्रेस के अपोजिट फाइट करने में, और ये आपकी बॉडी को काम रखने में भी आपकी हेल्प करता है। इसमें ब्राह्मी होता है जो सपोर्ट करता है कॉन्सेंट्रेशन में और मेंटल अलर्टनेस में, आपकी जो बॉडी है उसको इन्हेंस करता है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। इसमें ब्रेन मल्टी विटामिन ब्लेंड भी होते हैं जो आपकी लर्निंग एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, आपकी हेल्थ, ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, बेटर मेमोरी देते हैं और मोटर स्किल्स देते हैं आपको।
अगर मैं बात करूं, देखिए ये सोया फ्री होते हैं, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता, जिलेटिन फ्री होता है, ये आर्टिफिशियल कलर नहीं होते हैं इसमें। ये कॉस्ट है 499, यानी कि 500 कॉस्ट करता है ये। और अगर मैं इसको बोलूँ, ये आप बिफोर 18 मंथ, बेस्ट बिफोर 18 मंथ, यानी कि 18 मंथ के अंदर आपको इसको ख़त्म करना होता है। इसमें बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छे हैंड के जो बैंड्स होते हैं वो दे रखे हैं, साथ ही साथ एक स्टोरी बुक भी है और जीवा की, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके की कैंडी होती है ये। आप देखिए, ये कुछ इस तरीके की कैंडी होती है और फुल ये बिल्कुल वेजिटेरियन होती है। अंदर से ये कुछ इस तरीके की आपको कैंडी मिलेगी, ये टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी होती है। सो गाइज, आप देख ही चुके हैं किस तरीके से ये जो कैंडीज होती है ये आपके बच्चे के ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करती है, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। और क्या होता है कि बच्चों के अंदर ना लर्निंग की जो स्किल्स होती है, लर्निंग की जो पावर होती है वो कम होती है। लेकिन ये इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बच्चों की इन्हीं चीज़ों के ऊपर वर्क करते हैं, और आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि आपके बच्चों की इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो गई है, ब्रेन भी शार्प हो गया है, लर्निंग के जो आपके बच्चे के स्किल्स हैं वो जो वीक थे वो भी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो ये ऑल इन वन है, और मुझे इस मतलब मैंने आदमी को दिया है और बिलीव मी मुझे इससे बहुत फ़ायदा लगा है। क्योंकि जब क्या हुआ था कि लास्ट टाइम मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी तो मुझे भी वायरल हो गया था, तो साथ ही साथ आदमी को भी वायरल हो गया था। तो मैं काफ़ी टाइम से इसको दे रही हूँ, देने के बाद मैंने देखा कि आदमी के बिहेवियर में भी चेंज है, फिजिकल जैसे एक्टिविटी में वो थोड़ा कम हो गया था। क्योंकि क्या होता है, जब बुखार होता है तो अंदर से बॉडी जो होती है वो वीक हो जाती है, लेकिन इसको देने के बाद आई एम फुल सेटिस्फाइड, क्योंकि वो फिजिकली भी काफ़ी एक्टिव हो गया है, मेंटली भी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है, और उसके अंदर की जो इम्यूनिटी है वो भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो अगर आप ये सब चीज़ें चाहते हैं तो 100% आप इसको दे के देखिए, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सैमन फॉर्चुना। थैंक यू।